नमस्कार, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में गर्मा गर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कंटेस्टेंट के बीच हो रहे आपसी झगड़े और टास्क कांड हर दिन नई शक्ल ले रहे हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से लॉकअप में शोर मच गया है और एक बार फिर टारगेट सर्कल में आ गई हैं पायल रोहतगी। जी हाँ, बड़ी ही बेबाकी और समझदारी से लॉकअप में खेल खेल रही पायल पर इस बार विनीत ने अपना आपा खो दिया और उन पर खाने में थूकने का आरोप मर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में शो में देखा जा सकता है कि किस तरह पायल पर जोर जोर से विनीत चिल्ला रहे हैं और खाने में थूकने का आरोप लगा रहे हैं। विनीत की तिलमिलाहट उनकी आंखों में साफ नजर आ रही है और वो पायल को कह रहे हैं, अब तू खाने में थूक के बता, चुपचाप बैठ। फिर पायल सहजता से कहती हैं कि मैं तुमसे बाद में अच्छे से बात करूंगी। अंजलि कहती हैं कि हट जा, हम बना लेंगे खाना। अंजलि सबको कहती हैं कि आप सबको इसके हाथ का खाना खाना है क्या? तो पूनम और मंदाना करीमी भी हाँ में हाँ मिलाती नजर आती हैं और कहती हैं नहीं खाना। निशा पूछती हैं कि क्या पायल ने सच में खाने में थूका? तो अली कहते हैं कि नहीं, इसने खाने में नहीं थूका। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से लॉकअप वालों ने राशन पानी लेकर पायल पर धावा बोल दिया है। एक बार फिर से खिलाड़ियों के निशाने पर पायल आ चुकी हैं। फिलहाल तो प्रोमो देखकर यही लग रहा है कि पायल मौके को बड़ी ही सरलता से शांत कर रही हैं, लेकिन लॉकअप के कैदियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। आपको बता दें कि ये देखकर पायल के मंगेतर और कॉमनवेल्थ हैवी वेट रेसलर संग्राम सिंह भी बहुत दुखी हैं और वो कहते हैं ये सब जानबूझकर पायल पर धावा बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट प्लेयर हैं। वो अपने दिल की सुनती हैं और बिंदास बोलती हैं, इसलिए सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। संग्राम सिंह के बाद अब देखना है कि ये पारा वीकेंड में कंगना की मौजूदगी में कितना चढ़ता है, किसे मिलती है कंगना की तारीफी और किसे मिलेगी कंगना की फटकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए फिल्मी बीट।